हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीएन क्लासेज ऑफ बैंकिंग में, जहां आप सीखते हैं क्वांट से संबंधित क्वेश्चन जो आपका बैंक में सिलेक्शन दिलाने में आपकी मदद करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, जो जादुई टॉपिक था वो था इनइक्वालिटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें हमने कुछ टाइप के क्वेश्चन किए, अब हम उसमें टाइप टू देखेंगे। इनइक्वालिटी में अब टाइप टू देखेंगे। भाई एक ही तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे ना, हमें तो हर तरह के क्वेश्चन को तैयार करना है, हमें तो सिलेक्शन लेना है, हमें सिलेक्शन से मतलब है। तो कोई भी चीज़ हम ऐसी नहीं छोड़ेंगे जो हमारे क्वेश्चन में आ जाए और हमसे ना बने। अब जैसे तो चलिए हम पहला एक क्वेश्चन देखते हैं, उसमें ये है कि 2x² + 11x + 14 = 0। अब देखो इसमें क्या करते थे हम लोग, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराते थे ना, और दोनों का रिजल्टेंट को जोड़ घटाना कुछ भी करके 11x के बराबर लाना है, यही है ना। मतलब 2×14 को ऐसे करना है 28 को किस 11x के बराबर आ जाए, तो 7×4 कर देंगे, 7×28 नहीं हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 2x² + 7x + 4x + 14 = 0, यही तो होगा। अब यहाँ पे x कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 2x + 7, यहाँ पे भी 2x कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो तो बच जाएगा 2x + 7, तो 2x + 7 एक हो गया और 1x + 2 हो गया = 0। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2x + 7 = 0, तो x की वैल्यू 7/2 -7/2, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी 0 -3.5। वैसे दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी x की -2। हम इतना सॉल्व करेंगे, इतना सॉल्व करके थोड़ी ना निकालेंगे। हमने क्या वो ट्रिक सीखा था कि जब यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो हमारे रिजल्टेंट में क्या होगा, जब दोनों प्लस है तो हमारे रिजल्टेंट में क्या आया। देखो यहाँ पे आप देखो ना, इसमें भी माइनस आया इसमें भी आया, तो माइनस और माइनस आएगा। ये तो आप वो टेबल से देख लेना, जब प्लस प्लस है तो दोनों ये माइनस माइनस होगा। अब देखो, अब ये वाला चीज़ तो सेम रहेगा ना कि 7×4 में ही उसको तोड़ेंगे, बड़े बेटे को यहाँ रखेंगे छोटे बेटे को यहाँ रखेंगे। अब ये जो यहाँ पे 2 है ना, पहले हम लोग करते थे तो सिर्फ x² होता था, अब इसमें ये कोफिशियंट जुड़ गया है, तो अब क्या करेंगे, ये 2 है ना यहाँ पे, इसको यहाँ डिवाइड कर देंगे दोनों में, डिवाइड कर देंगे दोनों में। जो यहाँ पे कोफिशियंट है x² के साथ जो लगा हुआ है, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं ना, तो जो x² के या y² के साथ जो कोफिशियंट लगा है 1, 2, 3, 4 जो भी है, तो यहाँ पे उसका डिवीजन कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -3.5 और -2। देखो इसके बराबर नहीं आ गया, ये -3.5 और ये -2, यहाँ भी -3.5 यहाँ भी -2। तो हमने इसको जल्दी से निकाल लिया, सब तरीका सेम है, सारा कुछ निकालने का तरीका सेम है, बस जो यहाँ पे नंबर रहेगा जो भी कोफिशियंट रहेगा उसको यहाँ पे हम लोग डिवाइड करके तुरंत हम उसका आंसर बता देंगे, ठीक। साइन वाइन कुछ भी नहीं बदलेगा, साइन वाइन बिल्कुल नहीं बदलेगा, जो जैसा था वैसे ही रहेगा अभी भी, इससे कोई डरने की बात नहीं है। अब चलिए आगे फटाफट चलिए, अब तब इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे करना है इसमें। अब जैसे क्वेश्चन दे दिया है, अब इसी को देख लो, एक इक्वेशन यही था ना 2x² + 7x + 11 = 0, और दूसरा क्या है, दूसरा इक्वेशन है y4y² + 12y + 9 = 0। अब x की वैल्यू में क्या बताए थे, 11×2 इनका 11 है, ये 14 है यार, देखो फिर गलती कर दिया मैंने, ये 14 है, तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना, फिर उनका कुछ ऐसा जोड़ घटाना करते हैं कि इसके बराबर है, तो 14×2 = 28 हो जाएगा, तो ये तो पुराना वाला ही है, तो इसकी वैल्यू x के निकाले थे ना -3.5 और -2, यहाँ प्लस प्लस था इसलिए रिजल्टेंट में माइनस और माइनस आया, ठीक, माइनस और माइनस आया है। अब वैसे ही y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे, ये तो x वाली हो गई, अब y वाला देखते हैं, 4y + 12y × 9, तो 9 और 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना 9×4 का, तो ये 36 हो जाएगा, 36 को ऐसे तोड़िए कि 12 के उसमें आ जाए, तो 6×6 वाले में तोड़ने पे नहीं 12 के बराबर आ जाएगा। भाई जब यहाँ पे 12 लाना है जोड़ घटाना कुछ भी करके, तो 6 और 6 का फ्रैक्शन नहीं कर देंगे, 6×6 36 भी आ जाएगा और दोनों को जोड़ देंगे तो 12 भी आ जाएगा। अब फिर देखो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो हमारा जो भी आंसर आएगा ना इसका,
वाई का मतलब जो रिजल्टेंट आएगा उसमें माइनस ऑलरेडी लगा रहेगा, तो ये माइनस और माइनस हमने लिख लिया, कितना होगा 6 6, बड़ा बेटा छोटा बेटा की बात ही नहीं है, दोनों जुड़वा है तो ये 6 और 6। अब x और y को हम लोग कंपेयर कराते थे तो यहाँ पे लिखते थे माइनस, x की वैल्यू दो बार लिख लेते थे, माइनस 3.5 एक बार, माइनस 2। अब दूसरी बार y की वैल्यू लिख देते हैं तो ये तो दोनों बराबर है तो हर जगह माइनस सिक्स कर दो, ये x वाली वैल्यू हो गई, ये y वाली। अब -3.5 क्या है, बड़ा है, -3.5 बड़ा है, -2 बड़ा ही है, -2 बड़ा ही है। अब एक ही इसमें रिलेशन आ जाए कि x इज ग्रेटर देन y, यही आपका आंसर है। कुछ भी अंतर नहीं था, बस आपका अंतर ये था, देखिए एक गलती कर गए ना हम लोग, एक गलती कर गए हम लोग, हमने x वाला तो सही निकाला लेकिन इसमें हम लोग गलती कर गए। अब यहाँ पे जो ये 6 आया है ना, ये जो 6 आया है ये आंसर नहीं होगा, इसमें जो 4 लगा हुआ है ना इससे डिवाइड भी करना था, देखिए छोड़ गया, तो अब ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये आपका -1.5 और -1.5। ठीक, अब यहाँ पे y की वैल्यू -1.5 -1.5 -1.5 -1.5। अब देखो, अब सब कुछ, अब सारे एक ही बार में जज्बात सब पलट जाएगा, वक्त बदल दीजिए है ना, ये क्या मजाक चल रहा है। तो अब देखो ये -1.5 क्या है, बड़ा है ना -3.5 से, तो ये बड़ा हो गया। अब देखो ये हर जगह अब यही बड़ा हो गया, अब ये हमारा चेंज हो जाएगा, ये हमारा x इज लेस देन y, अब ये हमारा आंसर हो गया। उसमें हमने क्या गलती करी थी, क्या गलती करी थी जल्दबाजी में, हमने गलती यही करी थी ना कि 4 से डिवाइड नहीं किया था, जो यहाँ पे लगा हुआ है ना वाई स्क्वायर के साथ में उसका डिवीजन तो हमने किया ही नहीं था, गलती वही हुए थे ना, वही चीज़ आदमी मिस करता है। ठीक है, बाकी हर चीज़ें सेम है, आप उसको डिवाइड कर दिया आपका आंसर निकल गया। इस चीज़ों को भूलना नहीं है, निकालने के बाद तुरंत डिवाइड करना है, या ऐसे ही मिस्टेक होता है एग्जाम में। चलो अब आगे बढ़ो, अब यही ऑप्शन होते थे ना, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, दूसरा एक्स इज लेस देन वाई, तीसरा आपका एक्स इज ग्रेटर इक्वल वाई, चौथा आपका हो जाता है एक्स इज लेस इक्वल टू वाई, और पांचवा होता था नो रिलेशन। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18x2, ये पहला एक क्वेश्चन है, ठीक ना, 18x2 -9x -9x+1 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो 18 लगा हुआ है ना, अब 18 कुछ ऐसे तोड़े कि 9 के इसमें आ जाए। ठीक, तो 18 को क्या हम 6 × 3 वाले में नहीं तोड़ देंगे, तो हमारा 9 की वैल्यू आ जाएगी, 6 और 3 को जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा, ऐसे ही फ्रैक्शन बनाना है हमें। ये 18 × 1 की है, तो भाई 18 ही होगा भाई, उसको हमने ऐसे तोड़ दिया। ठीक, अब ये हो गया 18x2 माइनस, अब ये सब हम लिखेंगे थोड़ी ना यार, हमें तो दो वैल्यू मिल गई ना, 6 और 3, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, यानी कि हमारा जो भी रिजल्टेंट आएगा वो प्लस प्लस ही आएगा। अब बड़े बेटे को यहाँ रखे, छोटे बेटे को यहाँ रखे, अब क्या मैंने बताया था, जो यहाँ पे कोफिशियंट रहेगा उसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो ये 18 से डिवाइड कर दो, तो इसकी वैल्यू आ गई, दोनों प्लस में है तो अब प्लस यहाँ नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट आप समझ जाना कि प्लस से ही है अगर कुछ नहीं लगाया तो 6/1/3 हो गया, ये आपका 1/6 हो गया, ये आपकी दो वैल्यू निकल के आ गई। अब वाई वाली वैल्यू देखते हैं, दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन कह रहा है 12y² -y -1 -y -1 = 0। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों माइनस और माइनस लगा हुआ है, माइनस और माइनस लगा हुआ है, तो हमारे रिजल्टेंट में क्या आएगा, प्लस और माइनस आएगा। अब 12 का फिर से 1 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना जैसे यहाँ किया था, तो 4 और 3 वाले में तोड़ दो 12 वाले को, 4 × 3 वाले में, दोनों का देखो डिफरेंस 1 हो गया, ऐसे ही आपको फ्रैक्शन फटाफट निकलने लगे, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। आप 12 से डिवाइड कर दो, जो यहाँ पे है उसका डिवीजन यहाँ करते हैं ना, तो यहाँ भी कर दिए, यहाँ भी कर दिए, यह आ जाएगा 1/3, यहाँ पे आ जाएगा -1/4, ये आपकी y की वैल्यू निकल गई। अब x और y को कंपेयर करा दो, मैंने क्या बताया था, x की वैल्यू को दो बार लिखो, तो ये 1/3 1/3, फिर दो बार इसको लिखो 1/6 1/6, अब इसको लिखो ऐसे, ये x की वैल्यू, y की वैल्यू को दोनों जैसे दिया हुआ है बारी बारी में उसे लिखो, तो ये 1/3 -1/4 1/3 -1/4। अब ये देखो, ये दोनों 1/3 1/3 बराबर 1/3,
ये कुछ भी पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, ये सीधे सीधे नेगेटिव दिख रहा है, तो ये पॉजिटिव वाला बड़ा हो गया। अब 1/6 क्या है 1/3 से, अब देखो 1/3 यहाँ पे बड़ा होने लगा ना भाई, 1/6 भाग क्या हो गया, ये छोटा हो गया ना 1/3 से, और यहाँ पे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अब इसमें देखो इक्वल का भी साइन आ गया, ग्रेटर का भी आ गया, लेसर का भी आ गया, यानी कि मैंने क्या बताया, जब तीनों साइन आएंगे तो कोई रिलेशन नहीं होगा, हमें क्लियर पता ही नहीं चलेगा वो बड़ा है छोटा है कि बड़ा है छोटा है क्या है नहीं पता चलेगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा नो रिलेशन। तीनों साइन आ गए हमारा नो रिलेशन इसका आंसर हो गया। ठीक, ऐसे ही आप लोगों को अब फटाफट करते जाना है, कोई अब टाइम अब नहीं गंवाना है। चलिए भाई अब आगे देखिए, अब आगे देखिए क्या होता है। एक इक्वेशन और लीजिए, एक कह रहा है 6x² + x-1 = 2 + x-1 = 0, और दूसरा क्या है वाई वाला, 8y² + 10y + 3 = 0। अब देखो यहाँ प्लस माइनस है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस प्लस में आएगी। 6 कैसे तोड़े, 3 × 2 में नहीं तोड़ देंगे, तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब ये 6 का क्या करेंगे, यहाँ ले आकर डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 6, ये क्या आ गया -1/2 और यहाँ पे 1/3 एक्स की ये वैल्यू निकल गया। अब वैसे ही वाई का निकालो, ये 8 × 3 कितना हो जाएगा 24, 24 को ऐसे तोड़ो कि 10 में आ जाए, तो 6 × 4 वाले फ्रैक्शन में तोड़ दो। अब यहाँ प्लस प्लस लगाए तो दोनों वैल्यू इनकी माइनस और माइनस में आएगी, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस में वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो दोनों निगेटिव होंगे क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है। अब ये बड़ा बेटा 6 हो गया, छोटा बेटा 4 हो गया। ठीक, अब डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे, क्यों 8 से डिवाइड किया, क्योंकि वाई स्क्वायर के साथ ये 8 लगा हुआ था, तो उसी का डिवीजन हमने यहाँ पे किया है और यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, -3/4 और यहाँ पे हो जाएगा -1/2। अब फिर कंपेयर करा लो x और y को, x की वैल्यू कितना है, -1/2, दो बार लिखो -1/2 और 1/3, 1/3। वैसे ही ये अब y की वैल्यू -3/4 और -1/2, -3/4, -1/2। अब -1/2 बड़ा है कि छोटा है, भाई साहब ये बड़ा है, ये -1/2 बराबर है, 1/3 पॉजिटिव है क्लियरली दिख रहा है बड़ा है, 1/3 क्लियरली दिख रहा है कि आपका ये बड़ा ही है। ठीक, ये देखो नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव था, इसमें दिमाग ही नहीं लगा देना था भाई, बड़ा ही है नेगेटिव कुछ भी हो, अब यहाँ पॉजिटिव है तो उससे बड़ा ही है। अब -1/2 क्या है, -3/4 से बड़ा है, यहाँ -1/2 -1/2 के बराबर है, तो दो ही हमें साइन दिख रहे हैं, एक ग्रेटर वाला और एक इक्वल वाला, यानी कि हमारा हमारा ये तीसरा ऑप्शन सही है, हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके तुरंत बताना कि सर हमें ये दिक्कत आ रही है, उसका भी सोल्यूशन किया जाएगा। यहाँ सीखने के लिए तो हम सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे हैं भाई, जो आपको दिक्कत होगी उसका बिल्कुल सोल्यूशन आपको बताया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत होगी तो। ये सब क्वेश्चन ऐसे ही किए जाते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन देखो क्या है, 2x² - 5x - 3 = 0, 2x² - 5x - 3 = 0 एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा हो गया आपका 4y² + 16y, 4y² + 16y अब +15 = 0, यहाँ पर आपका ये दोनों माइनस माइनस आ गया, यहाँ भी आपका माइनस, यहाँ भी माइनस, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे ये प्लस माइनस वाले में आंसर आएगा। अब यहाँ पे 2 × 3 है ना, अब देखो 2 और 3 ऐसे ही 5 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा और 2 + 3 = 5 हो जाएगा, तो हमारा ये रिजल्टेंट निकल जाएगा, तो बड़े बेटे को यहाँ पे, छोटे बेटे को यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 है ना, यहाँ 2 है, इसको ले आकर यहाँ पे डिवाइड कर दो, यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1.5 हो जाएगा, लिखो चाहे मत लिखो, मतलब 3/2 को 1.5 लिख लो, यहाँ पे -1 कर दो। ठीक, अब y की वैल्यू निकालो, ये तो x की वैल्यू निकल गई, अब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ प्लस प्लस है तो यहाँ माइनस माइनस आएगा, यहाँ पे 15 × 4 कितना हो जाएगा, 60, 60 को क्या हम 10 × 6 वाले में ले आएंगे तो 16 नहीं आ जाएगा, 16 नहीं मिल जाएगा, तो हमने बड़ा बेटा यहाँ रख दिया, छोटा बेटा यहाँ रख दिया। अब डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, 4 से करेंगे, यही है ना 4, जो y² के साथ लगा है, अब इसको यहाँ डिवाइड कर देंगे, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 से डिवाइड कर दें, 10/4 कितना हो जाएगा, -2.5 माने 2.5 हो जाएगा ना, और ये 6/4 -1.5। ठीक,
अब हमें दोनों की वैल्यू मिल गई, अब दोनों को कंपेयर करा दूँ। यहाँ पे लिख लो x, यहाँ पे लिख लो y। x की वैल्यू कितनी आई है, एक डेढ़ है, यहाँ लाइन मार दो, x की वैल्यू डेढ़ है, एक बार डेढ़ और दूसरी बार यहाँ माइनस वन, यहाँ माइनस वन। अब दोनों को लिख दो माइनस 2.5। कंपेयर करने का मैं तरीका बता रहा हूँ कि बिना मतलब गलती के कोई चांसेस नहीं बचेंगे, फिर आप लोग ये चीज़ें अपने दिमाग में करने लगोगे, ठीक है ना। ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में ये सब आप खुद अपने दिमाग में कर। देखो ये तो सीधे सीधे पॉजिटिव है, ये सीधे सीधे पॉजिटिव है, तो ये ग्रेटर ग्रेटर, ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले में तो दिमाग ही नहीं लगाना है बिना देखे। अब माइनस वन बढ़ा है कि माइनस 2.5, माइनस वन बढ़ा है, माइनस वन बढ़ा है कि माइनस 1.5, माइनस वन बढ़ा है, तो क्या रिलेशन निकल के आ रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया। देखो साइन हर साइन एक्स की तरफ खुला हुआ है, यानी कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ठीक, यही तो हमारा आंसर है, यही तो हमारा आंसर है। अब देखो आप लोगों को एक मैं क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ, अब देखता हूँ आप लोग इसको बना पाते हो कि नहीं। थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं पहले ही बता दूँ, थोड़ा सा ट्रिकी है। अब एक है कुछ भी नहीं इसमें, x की वैल्यू दिया है x माइनस रूट 121 इक्वल टू जीरो, ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 121 इक्वल टू जीरो, ठीक। इसको आप लोग बनाना, उसका आंसर कमेंट में बताना कि इसका क्या आंसर है, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ अगले वीडियो में, अगले वीडियो की शुरुआत में इस क्वेश्चन को बता देंगे, ठीक। अब अच्छे से तैयारी करो, इसको बनाओ, इसमें गड़बड़ मत होना भैया, बेइज्जती मत कराना, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू।